हेलो दोस्तों, आरकेएसएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की बात करने वाले हैं हम, फ्राइडे के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली, फिर ऑफिस से रिकवरी, फिर गिरावट देखने मिली। तो ये बुल रन और बैल रन में आपस में जो उठक पटक थी वो काफ़ी अच्छा था। तो इसमें भी बहुत लोग ने मुझसे पूछा था कि अभी सर बहुत सारे सेक्टर बहुत सारे गिर गए, तो अभी कौन सा सेक्टर को पकड़ लें कि जो आगे जाके बहुत फ़ायदा हो। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आगे चलकर एक ही यही सेक्टर ऑफिस से री परफॉर्मेंस कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है। तो चलिए, कौन सा वो तीन स्टॉक चार स्टॉक है मैं उसके बारे में बोलने वाला हूँ। तो आप उसे फोकस रखिए, ले भी सकते हैं चाहे तो, काफ़ी अच्छा है और उसमें जीरो रिस्क है, रिस्क इतना भी नहीं है, ठीक है। तो आपको रिटर्न बनना ही बनना है। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, हमारे हर हफ्ते वीडियोस लाते रहेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे स्क्रीन पर देखिए, सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 400 पॉइंट की गिरावट हुई, निफ्टी 50 140 पॉइंट की गिरावट हुई, निफ्टी बैंक 275 पॉइंट की गिरावट हुई, मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली, तो 750 रुपये की गिरावट देखने मिली, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं कौन से स्टॉक चार स्टॉक है जो आपको बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है HCLTech एक लिमिटेड कंपनी है, और तो HCLTech टेक्नोलॉजी एक IT कंपनी है और एक लार्ज कैप है। और दोस्तों, मैं ये पहला इसका क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक 1100 पे 1120 पे आप बाई कर सकते हैं, फ्रेश इशू कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने खुद ही पर्सनली बाय किया था और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला था, 1300 पे जाके मैंने बेच दिए थे, तो मुझे भी मालूम है इससे आप फिर से बाय कर सकते हैं और वापस से 3 महीने तक आपको 1300 1350 का लेवल फिर से दिखा सकता है, शायद से आने वाले समय पे 1500 का भी लेवल तोड़ सकता है। तो दोस्तों, ये रहे HCLTech के। तो डिविडेंड भी अनाउंस किए थे 10 रुपये, और 20 तारीख का आखिरी डेट था, अभी हो गया होगा, अब सबको मिल गया। तो आप इससे 1120 का लेवल देखेगा तो आप ज़रूर इसे बाय कीजिएगा। दूसरा कौन सा स्टॉक है? तो दोस्तों, दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, ये भी एक IT कंपनी से है, और देखिए 487 पे फ्राइडे के दिन स्टेबल हुआ, लगभग 3% की गिरावट। इसका गिरावट भी लाजमी है क्योंकि Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं 27 जनवरी को। दोस्तों याद रखना, 27 जनवरी को इसके रिजल्ट आने वाला है, तो मैं रेकमेंड करूँगा 450 पे बाय करने की, और 500 550 का लेवल फिर से दिखा सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आप थोड़ा सा भी वेट कर सकते हैं, 450 का लेवल पे आए तो आप ज़रूर इसे बाय करने की कर सकते हैं। दोस्तों बिरला सॉफ्ट एक IT कंपनी है और एक स्मॉल कैप में आता है। तो दोस्तों, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम दिखता है और काफ़ी अच्छे से मूवमेंट करता है। मैंने खुद इम्पैक्ट 400 पे बाई किए थे और मैंने खुद 480 पे बेच दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि ये आगे भी जा सकता है। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं, तो ये भी एक बाई करने का मेरे तरफ से एक अच्छा स्टॉक है। तीसरा कौन सा स्टॉक है? तो दोस्तों, तीसरा स्टॉक है विप्रो, आपको पता ही है विप्रो में लार्ज कैप है और IT कंपनी से ये है। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन 605 पे स्टेबल हुआ था, अब इस पर भी फ्रेश बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि देखिए कितना लंबा गिरावट देखने के बाद एक अच्छी रैली आ सकता है एक IT सेक्टर में। तो ये तीन IT सेक्टर काफ़ी लाजवाब दिख रहे हैं मेरे को, तो आप इसमें से कोई भी फ्रेश बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों, क्यों मैं बोल रहा हूँ विप्रो भी क्यों लास्ट रखा, क्योंकि विप्रो में जो है रिक्स इतना कम है और ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, तो इसके हिसाब से विप्रो इज़ द बेस्ट स्टॉक। और डिविडेंड भी ख़त्म हो चुका है, डिविडेंड भी लास्ट तारीख तक परसों के दिन, तो काफ़ी अच्छा
मूवमेंट फिर से दिखा सकते हैं। 600 पे आप बिंदास बाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चौथा स्टॉक की बात करें तो वो अलग सेक्टर से आता है दोस्तों, ये है सूर्या रोशनी LTD, स्मॉल कैप में आता है और काफ़ी अच्छा। मैंने इस पर एक महीने से पिछले से फोकस कर रहा हूँ कि इसमें जो रन बुल रन दिखती है जो फास्ट, मतलब ये 900 पे जाके आया दोस्तों, ये 900 का स्टॉक जाके आया और आज ये 500 पे मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा। ऑफिस से एक बार 700 का लेवल देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छा पोटेशियम इसमें भी दिख रहा है। सूर्या रोशनी को मैं 500 पे बाई करने की रेकमेंड करूँगा। फ्रेश इशू है, फ्रेश बाइंग है और ज़बरदस्त ऑफिस से बुल रन दिखा सकता है। अभी Q3 का रिजल्ट आना बाकी है दोस्तों, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट होती है और ये स्टॉक स्मॉल कैप में आता है दोस्तों, पर इसमें जो मूवमेंट आता है लाजवाब आता है। कभी 6% कभी 5% भागता है, तो ऐसे ऐसे भागते हैं। तो अभी मैंने देखा था इसका, अभी खुद ही मंथली चार्ट देख लीजिए, देख रहे हो मंथली चार्ट में भी, मंथली चार्ट में देख रही है 668 पे जाके आया है और 478 पे गिरा, तो फिर भी क्या रिकवरी दिखाया, फिर से एक बार वही मूवमेंट पे जा सकता है। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, अब बिंदास बाई कीजिए। ये चार स्टॉक में आप में से कोई एक स्टॉक बिंदास ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।